नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर। यहां पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारी एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं जो गांधी प्रतिमा तक जाना था। जैसे ही सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मचारी यहां इकट्ठा हुए, उन्होंने कैंडल हाथ में ली और जैसे ही शक्ति भवन के गेट तक पहुँचे वैसे ही पुलिस ने उनको रोक दिया। एक बार पहले जैसे इको गार्डन में जब वो राजभवन के लिए निकले थे रोक दिए गए थे, आज फिर रोक दिया गया। महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे की अगुवाई में जैसे ही ये दल आगे बढ़ा, गेट पे पुलिस ने रोका तो वहीं पर नारेबाजी होने लगी और मोहम्मद खालिद ने सबको धरने पर बैठ जाने के लिए कहा। तो शक्ति भवन के गेट पर ही पुलिस के सामने गांधी प्रतिमा तक इनको नहीं पहुंचने दिया गया और ये सब लोग निविदा संविदा कर्मचारी धरने पर बैठ गए। काफ़ी देर तक बहुत गहमा गहमी रही और बहुत सारी नारेबाजी होने के बाद पुलिस विभाग के DCP और हजरतगंज इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ज्ञापन लिया और ये आश्वासन कि उनकी मांगों को आगे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ताली बजा करके, नारे लगा करके काफ़ी देर तक विरोध प्रदर्शन हुआ। बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई थी क्योंकि पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी, सबको बाहर रोक दिया था। संविदा कर्मचारी अंदर फंसे हुए थे लेकिन नेशनल वॉच ने किसी तरीके से पुलिस के बीच में जगह बनाई और हम पहुँचे उस जगह पर जहाँ कर्मचारी सब मिल करके प्रदर्शन कर रहे थे। तो दोस्तों, देखने वाली बात है क्योंकि पूरे प्रदेश में इस तरीके का कैंडल मार्च निकाला है और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर कब तक ये इस तरह से चल रहेगा और कब मिलेगा इनको न्याय। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मास्टर रोल चालू करो, चालू करो, चालू करो। मास्टर रोल चालू करो, चालू करो, चालू करो। मास्टर रोल चालू करो, चालू करो, चालू करो। हमारी मौतें बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मौतें बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो दूसरे लोगों को 24,000 का अनुबंध कर रहे हैं, हम लोगों का 11,000 करके 7600 रुपया तनख्वाह दिया जा रहा है। करोड़ों रुपया हम लोगों का EPF घोटाला हो गया। इस खंभे से गिर के कौन मर जाए साहब, कोई भरोसा नहीं है। ESI का जो पैसा हम लोगों के तनख्वाह से कट रहा है वो भी कमीशन में चला जा रहा है। फिर सर, 15 नवंबर को साहब पूरा प्रदेश आएगा। आप लोगों से निवेदन है कि जब सहयोग कर देंगे तो हम पंडित जी, आज यहाँ शक्ति भवन राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारी संघ आप लोग यहाँ कैंडल मार्च निकालने जा रहे थे, पुलिस ने आपको रोक दिया, क्या वजह बताई और क्या आश्वासन मिला? हम लोग कैंडल मार्च लखनऊ के शक्ति भवन से लेकर के GPO पार्क गांधी प्रतिमा तक जाना था। प्रशासन द्वारा शक्ति भवन गेट पर ही हम लोगों को रोक लिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिसका विरोध हम लोगों द्वारा बैठ करके जताया गया है। और ये एक खेद का विषय है कि हम लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में 500 से 600 आउटसोर्स के कर्मचारी घायल हो रहे हैं, उसमें अधिकांश कर्मचारी मर रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन लेबर का अनुबंध करा करके तृतीय श्रेणी का काम ले रहा है। पावर कॉरपोरेशन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों में दोहरा व्यवहार अपनाते हुए सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों को 24,000 का अनुबंध करता है, ठेकेदारों के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का 11,000 का अनुबंध करता है। जबकि दोनों ही आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और दोनों ही एक ही काम करते हैं, इसके बावजूद भी एक प्रकार के कर्मचारी का अनुबंध 11,000 और दूसरे एजेंसी से प्राप्त कर्मचारी का अनुबंध 24,000 का करना न्याय संगत नहीं है। हम लोगों की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन कम से कम हम लोगों का न्यूनतम वेतन 18,000 निर्धारित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले हित लाभों को दिया जाए। दूसरी मांग है कि जो ये मौतें इतनी बड़ी पैमाने पर हो रही हैं, इन मौतों पर रोक लगाया जाए। तीसरी मांग है कि विभाग के नीतियों के अनुरूप मशरूम व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और जो भी अनियमितताएं हो रही हैं इस पर अंकुश लगाया जाए। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन आज ACP साहब द्वारा लिया गया है। अब इस ज्ञापन को उन्होंने आश्वस्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग
इसको इस ज्ञापन को पहुंचाएंगे उचित माध्यम से, और जहां तक आप लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को जहां तक हल हो सकता है उसका प्रयास किया जाए। पंडित, जब भी ऐसा होता है कि आप कभी राजभवन की तरफ निकलते हैं तो इको गार्डन में आपको रोक लिया जाता है, 30-32 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज शक्ति भवन गेट पे भी आप लोगों को रोक लिया गया, क्या लगता है आपको कि जो आश्वासन मिला है समस्याएं दूर होंगी? आश्वासन तो बहुत मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि हम लोग कानून के दायरे में रह करके ही काम करना चाह रहे हैं, गांधीवादी तरीके से हम लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। अब ये निर्भर करता है कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन क्या निर्णय ले रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि एक ही प्रकार के कर्मचारियों को दो प्रकार का व्यवहार करना जीरो टॉलरेंस से बाहर की बात है, ये सौतेला व्यवहार है, सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। और पावर कॉरपोरेशन के कमियों के कारण ये जो मौतें हो रही हैं प्रत्येक वर्ष, इन मौतों पर अंकुश लगना चाहिए। पंडित जी का आखिरी सवाल कि आज लखनऊ पुलिस से आश्वासन मिल गया है कि आपकी मांगे मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेंगी, तो क्या धरना समाप्त हो जाएगा या धरना चलता रहेगा? धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। आज ये कैंडल मार्च था हमारा इको गार्डन में, कंटिन्यू आज 32 दिन से धरना चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार या अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन द्वारा हम लोगों के संबंध में कोई उचित निर्णय नहीं दिया जाता।